वेलकम टू माई चैनल गाइज एंड टूडे विल सी WQT बूथ ओके द सेटअप ऑफ WQT बूथ और आपको मैं बताऊँ कि WQT बूथ क्या होता है, ये प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसेस क्या है वेल्डर के लिए जिससे वेल्डर क्वालिफाइड होता है और उसको ऑथोराइजेशन कार्ड जिसको JCC भी बोला जाता है किसी भी स्पेसिफिक मेटल पे वो वेल्ड कर सकता है कि नहीं, जो एक पैरामीटर होता है इस पर WPS उस पैरामीटर के हिसाब से उसका वेल्डिंग जब भी NTT के लिए जाता है या जिस टाइप का भी टेस्टिंग उसके लिए जाता है तो एक सेफ होता है तभी वो जाकर जॉब पे वेल्डिंग कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको WQT बूथ दिखाता हूँ और WQT बूथ जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो ऑल राइट, प्लीज़ कम एंड विल सी द सेटअप ऑफ WQT। देख सकते हैं ये WQT बूथ है, इसमें एक वेल्डर का क्वालिफिकेशन हुआ है ऑलरेडी और ये केस कूपन को वेल्ड कर चुके हैं, जो भी स्पैचर वगैरह है उसको वो रिमूव कर रहे हैं क्योंकि फाइनल क्लाइंट से दिखाया जाएगा। इसी तरह कई सारा आप चेक कर सकते हैं WQT बूथ है। ये कुछ डिफेक्ट से आप देख सकते हैं, ये प्रोसेस ही है इसका, जो फिल्म आता है आर्टिक फिल्म को कैसे मार्क आता है, ये क्रैक है, क्रैक का कैसे आता है, फ्लैग है ओके, और टेंजेंशन इंक्लूजन है इसका है और एक पैरामीटर है आप देख सकते हैं। जब वेल्डर का टेस्ट होता है तो उसका सीरियल नंबर जितने वेल्डर हैं यहाँ लिखा जाता है, ये वेल्डर नंबर जब वो पास होगा तो किस WPS नंबर को फॉलो किया जाता है, प्रोसेस क्या है, यानी SMW है, बेस मेटल क्या है, आर्गन है, एलॉय है, वो देखते हैं साइज कितना इंच का पाइप है, शेड्यूल थिकनेस पोजीशन पार्किंग कर रहे हैं कि नहीं, उसमें सब फिलर का यूज कर रहे हैं। ये टेस्ट कूपन आप देख सकते हैं पहले से रेडी करके रखा गया है कि वेल्डर का जब भी क्वालिफिकेशन होगा तो कोई टेस्ट कूपन का शॉर्टेज नहीं होगा और अलग अलग शेड्यूल के लिए ये अलग शेड्यूल का है, ये अलग शेड्यूल का है, ये अलग डाया का है, ये प्लेट का है। सो गाइज, इस टॉपिक से एक क्वेश्चंस जरूर इंटरव्यू में पूछा जाता है, इफ़ यू आर कमिंग एज ए वेल्डिंग इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर में आ रहे हैं या आप QC में आ रहे हो, इन टर्म ऑफ इवन आप वेल्डिंग QC में आ रहे हो या मैकेनिकल QC या पाइपिंग QC में भी आ रहे हो, तो इंटरव्यूअर ज़रूर पूछता है डू यू नो अबाउट WQT और इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये क्यों किया जाता है कंडक्ट। तो इसका आपको बताया कि WQT इज़ ए वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट और इसके थ्रू आप वेल्डर को क्वालिफाइड करते हो फॉर किसी पार्टिकुलर जॉब के लिए इन टर्म ऑफ पी नंबर, बेस मेटल और पोजीशंस जो मैंने आपको दिखाया ना, जो भी WPS में पैरामीटर दिया रहता है, तो सबसे पहले उसमें अगर पोजीशंस उसको जैसे आपको उसको 6GR मार रहा है या 3G में मार रहा है, 2G में मार रहा है, उसके अलावा कौन सा फीलर वायर लग रहा है, कौन सा मेटल है, SS है, LY है या कार्बन स्टील है, उसका पी नंबर क्या है, उसमें पर्जिंग है, तो वो सारा चीज़ को टिक आउट करते हैं ऑन द बोर्ड और फिर उसका विजुअल चेक होता है, फिर उसके बाद से उसके जो भी एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट है, अगर उसको बेन टेस्ट के लिए भेजा जाता है, ऐसे भेजा नहीं जाता है क्योंकि वो WPS के टाइम में भेजा जाता है, जो भी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाता है और वो पूरा उसका जो पीस को जिसको हम कूपन्स बोलते हैं, वेल्डर जो कंडक्ट किया है उसको जब अंडर टेस्ट किया जाता है और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आने के बाद ही उसको ऑथोराइजेशन कार्ड दिया जाता है। तो यही पर्पस है WQT का। तो ये आपको मैंने दिखाया कि कैसा सेटअप है, अभी आप देख सकते हैं, हम चलेंगे अभी WQT बूथ में और आप इससे
इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और रीजन क्या है, डेट्स इट। रूट कंप्लीट कर रही है, फीलिंग कर रहे हैं, फीलिंग लाइट लगाइए तो रूट चेक करना है कितना आया है। ये थोड़ा वो भी अंदर वो है ना थोड़ा गेहूँ वगैरह खराब हो। ओके ओके, रूट सही होता है, सही है। ओके तुम्हारी अच्छा, तुम्हारी सीलिंग कर लिया। इसके बाद स्टार्टिंग एक पास लगाया ना, जी आठ पास के बाद अभी ये दो पास में फिर स्टार्टिंग सीलिंग होती जाएगी, इसके बाद फिर स्टार्टिंग। ओके ओके, ये सूजी में मारे हैं, रूट बहुत बेहतरीन आया है। कैपिंग वगैरह दिखाइए, सोलो सोलो दिखाइए, बेहतरीन बेस्ट। ओके, अभी ये किस पोजीशन में मारेंगे? ये अभी वो क्लियर हो गया, 2G में मारा था, 5G में मारेंगे। ओके, ये एक्सेप्शनल कुछ मेटल आते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, इनकोली हो गया, आप देख सकते हैं ये एल्युमिनियम का। ओके, तो ये वेल्डिंग बूथ है, तो आपको WQT बूथ बोला जाता है यहाँ, वेल्डिंग क्वालिफिकेशन थे, और यहाँ वेल्डर का क्वालिफिकेशन होता है स्पेशली। ये देखिए, ये यहाँ यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ स्पेशल काइंड ऑफ जैसे टाइटेनियम हो गया मटेरियल जो डिफरेंट होता है, जिसको एक्जॉटिक बोल सकते हैं, एक्जॉटिक मटेरियल जो बहुत रेयरली आता है, जिसका वेल्डिंग टफ होता है, क्योंकि गैसेस जो उसमें से प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी हजार्डस होता है, तो ऐसे के लिए ये बूथ है। और बाकी आर्क और आर्गन के लिए आप देख सकते हैं, ये WQT बूथ है, वेल्डिंग क्वालिफिकेशन टेस्ट का बूथ है। ओके, सो यू कैन सी इट। ओके, ये नॉर्मल बूथ है, ये भी आप वेल्डिंग कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, रूट इज वेरी फंटास्टिक एंड ऑल्सो यू कैन सी कैचिंग हल्का सा स्पाइकर है, वो क्लीन हो चुका है। ओके, दिस इज वेरी गुड। कैपिंग कर रहे हैं, क्या होता है, ट्रायल मार रहे हैं कि टेस्ट है, कौन सा क्लाइंट कौन है? ओके ओके, तो अच्छा एक्सेप्ट एक्सेप्ट आएगा। दिस इज आर्गन बिल्डिंग।